ले ले दोस्तों, एक ये छोटा सा डेबरू आ गया। डेबरू मतलब देखना बाल कलर हो रखे, और इसका देखना मारेगा। ओके तू आ रहा फोटो धा गया काय को आदा को रोटो करने के को सा, और जेल में दा सब्सक्राइब नहीं कर रहे, देख फोन पर लग लिया मोटो और मोटो ने बना दिया है यहां पे रेला। दोस्तों ये काकी सास जी हमारे लिए जलेबी लेके आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक ये मिल गया मुझे, ये देखो ये मूली देख रहे हैं। तो मैं आ चुकी हूँ अपना घीड़ू लेके, अभी हम इसमें काटेंगे। बेटा गुस्सा ही कहा है आपके, गंदे हो रखे हो ज्यादा नहा क्या। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सुप्रभात आप सभी को। मेरा प्रणाम है और मेरे छोटे को जीव भोरी आशीर्वाद। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है उत्तराखंड पौड़ीगढ़ा थरीसैन ब्लॉक के खूबसूरत गांव कपरोली से। दीदी निकाल रहे हैं भैंस को बाहर धूप सेकने के लिए, पानी पिलाने के लिए ले जाएंगे ना अभी, और उसका बच्चा भी आ बछुर ले ले। दीदी ने पकड़ लिया है अपना पिछले बार कंडक्टर इधर बड़ा रेबर उधर चल रहा है मैच, जो मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था। ये देखो मैच वाले पता नहीं कहाँ कहाँ गए, मेरे को तो पता नहीं। दीदी ने खूब सटेल दिया, इन्हें जा ही नहीं रहे। इसके 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 सर में भी देखना बाल कलर हो रखे, और इसका देखना मारेगा। ऊपर तू आ रहा फोटो धा गया, कान कांडा लगे भाई। अगर वो तो हगन से ध्यान से ये भगवान। और इसके भी सर में आपको बाल फाइट दिखेंगे, दोनों ने कलर करवा रखे, बहुत फैशन वाले हो रहे दोनों, है ना दीदी। दीदी का डोर चला गया। अभी मैं जा रही हूँ दीदी के साथ भैंसों को पानी पिलाने, और दीदी आगे बढ़ चुकी हैं और मैं भी उनके पीछे। फिलहाल टाइम हो चुका है, कितना होगा दीदी टाइम? हाँ 11 बज गए होंगे, और हम लोगों ने नाश्ता पानी सब कुछ कर दिया, और ये हमारे भैंसे जा रही है नीचे पानी पिलाने लेके जा रही है। दूर ले जाना पड़ता, मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखना ऊपर से भी दो भैंस चले गए, और नीचे से भी दो भैंस, मतलब बैल और भैंस ऊपर आ गए। अब देखते हैं क्या होता है, ये देखना, ये देखना इनका मिलाप हो रहा है, मारने के लिए तैयार है भी इसे। जा 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 इधर जा इधर जा इधर जा, वो एक में तो ठीक नहीं लगना बिचार। ये हमारी भैंस को मारने के चक्कर में लड़ाई का मूड हो रहा है इसका, उसका भी वो पानी पी के छक हो गए। ये रही हमारी थोरे की खंडोली, ताकि कहीं खो ना जाए। थोरे बोलते हैं भैंस के बच्चे को, ठीक है दोस्तों। चलो तो ये दादी साथ जा रहे हैं भैंसों को चुगाने, तो इनके साथ हमारी भैंस भी जाएंगे और वो हमारे भैंसों को भी देखेंगे। और मैंने दीदी से ले लिया है घीड़ू, तो ये घीड़ू अब मैंने ले लिया है, ये देखो। और ये भैंस आ रही है, ये पता नहीं मुझे मारने आ रही है क्या आ रही है। दादी दादी ओ दादी टाटा बाय बाय, जल्दी आया ध्याल, हम इंतजार करना है तुम्हारा। तो मैं आ चुकी हूँ अपना घीड़ू लेके, अभी हम इसमें काटेंगे कंडाली। कंडाली की हमने कई बार सुना होगा, कंडाली की भुजी क्वादा को रोटू नहीं कहो, क्वादा को रोटू कंडाली को साग, और जेल में सब्सक्राइब नहीं कह रहे देख फोन पर लग ले आ। दीदी कितनी खुश हुई। ये रही कंडाली, कंडाली आप लोग जानते होंगे, ये बिच्छू घास है। ई मेरी मां दीदी खाना दो दोस्तों, इससे बहुत ज्यादा मतलब हाथ में झंझनाना होता है, अगर ये इसके पत्ते गलती से हाथ पे लग गए तो इसके ना मोटे मोटे दाने हो जाते, पता है आप लोगों को। ये देखना दीदी को जानबूझ के मेरे मुंह पे ला रहे भाई। लोग सब अपने भैंसों को चुगाने ले जा रहे हैं घास चराने, और ये कोई कोई पानी पिला के ऊपर अपने अपने गौशालों में बांधने ले जा रहे हैं, और वहां चल रहा है मैच देखो। तो दीदी अब आगे आ चुके हैं घीड़ू लेके, घीड़ू हमने यहाँ पे लटका दिया, क्या करो घीड़ू। ये रहा हमारा घीड़ू, और यहाँ दीदी फिर यहाँ कंडाली काटने चले गए हैं बुज्जा के अंदर, और मुझे यहाँ पे दीदी ने काम दिया कि तू यहाँ से मूला यानी कि मूली निकाल ले, तो यहाँ बड़े बड़े जोड़े रहते हैं। तो दगड़े चलो मूली ढूंढते हैं कि कौन, दीदी कह रही कि जिस पे लाल लाल जड़े होंगे जिसके ऊपर से उस वाले को उपाड़ना, तो चलो देखते हैं किस पे है लाल लाल जड़े, ढूंढते खोज। हाँ 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 हाँ, तो दोस्तों चलो मैं ढूंढती हूँ
जड़े कोई अच्छे से जड़ मिल जाए। ये भी है दीदी, उठी बोल पर ये मैं तो बैठी हो ये बड़े नहीं रहा ना। तो दोस्तों एक ये मिल गया मुझे, ये देखो ये मूली देख रहे आप, ये ऊपर ना हाथ दीदी बोल रहे हाथ से ही उपाड़ की और मैं कोशिश करती हूँ ठीक है दोस्तों, ऊपर जाएगा तो ठीक है। तो दोस्तों एक मैंने उपाड़ दिया और ये थोड़ा नीचे से टूट गया। तो दीदी ने पूरी कंडाली काट दी है और अब घेड़ू को भर रहे हैं। दोस्तों इसे बोलते हैं घेड़ू, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मैं उठाने जा रही हूँ, दीदी उठा रहे हैं मेरे पास, रुक जाओ। तो दोस्तों फाइनली ये टेढ़ू है कि दीदी, तो लो दीदी पे कांटे लग गए। गड़बड़ी कर भाई, तो दोस्तों हम बढ़ चुके हैं आगे की ओर, आपको ले जाना बोलो, अले ले चिन्नू खा चला। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ छन्नी में, ना तो दोस्तों अब हम दूसरे भैंस को ले जा रहे पानी पिलाने, देखने कैसे भाग रहा अपनी मालकिन के पीछे पीछे और मैं भी जा रही हूँ। चलो अब भी दगड़े हो पहुंच गए हम पानी पिलाने के लिए भैंस को, भैंस पी रहा है पानी और दीदी उसे नहला रही है और ये मेरे को मारने आता है गंदा सा लड़की, पी रहा चुस्त चुस्त चुड़ुक चुड़ुक गए चल गधा। अभी दीदी उसे नहला ही रही है, पता नहीं कितना पानी पी रहा, ये दोनों भी आ गए पानी पीने और वो वहाँ पे मारने के लिए आ रहा है इस छोटे वाले को, वो हमारा वाला भैंस गंदा। तो दोस्तों इसे लेके हम ऊपर जा रहे हैं, आगे से दीदी लगी है पीछे से मैं लगी हूँ। बेटा गुस्सा ही कहा है आपके, गंदे हो रखो ज़्यादा, नहा के आना ऊपर ठीक है, नहा दो के अच्छा चल आके मत देखो, ए छोड़गी 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 ले 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 मो पूछी, इसकी आंखें वाइट वाइट है देखना। हेलो बोल सबको, हेलो 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 बोलो, चल जा तो अब होने वाली है यहाँ पे लड़ाई, चल मार से चल चल देखे देखे मुंड बिड़ाण बुली लड़ गई तो ले, लड़ाई करने के लिए देखना इसे गंदा है यार, देख रहे इसको ऊपर जाने वाला है, ऊपर चल देखना इसका जाने का मन नहीं कर रहा अंदर, चल धाम ताप धाम ताप चल बाय टाटा टाटा कालू। अब दीदी रख रहे हैं ये कच्चे बांझ की लकड़ी, ये दीदी क्या मिली जानी तुम लोग, तो इसे दीदी घर में ले जाएंगे सुखाने के लिए है ना, तब सुखाने के लिए रख देंगे, तब जब सूखेंगे बाद में अगले साल के लिए जलाने के लिए हो जाएंगे ना। ले ले दोस्तों ये छोटा सा डेबरू आ गया, डेबरू मतलब होता है खाड़ू, ले इसने भी देखना बाल कलर करा रखे सारे, ज्यादा फैशन करेगा है गंदा, बोले मान मेरा जा मार कसम, दोस्तों मारने के लिए आता है सीन तो है ही नहीं उसके, किससे मारेगा। तो दोस्तों ये देखो हेलो हेलो दगड़े हो, मैं हूँ छोटा डॉन, मुझे पहचानो मैं हूँ कौन। उसकी माँ के सर में भी वाइट वाइट है और इसके भी, यहाँ सभी ने कलर करा रखे बाल, चल हिला बक बक बक, तो दोस्तों मैं अपना घेड़ू लगाने जा रही हूँ, ये रहा मेरा घेड़ू,
अब हम जा रहे हैं घर, चलो। अब दीदी अभी नहीं, मैं चला मत। तुम्हें झाड़ा? तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं घर और दीदी मैं झाड़ा भी उठा रही और मुझे बोल रहे कि तेरे पे ताकत नहीं होगी कि मत उठा के। मैंने सड़क के हाथ से, अरे घर आऊंगी सफर। तो दोस्तों मैं ऐसी आ रही थी तो ऊपर पे एक ससुर जी थे, उन्होंने बोला ये कौन है, जेठानी जी को बोला संजू की बुआ रही है। हाँ हो संजू की बुआ रही तो खूब की सहाने की बंडेली की लड़की खूब है। मैंने कहा हाँ बंडेली की लड़कियाँ ऑलराउंडर रहती है ना। तो मेरा दगड़े मैं घर में पहुंच चुकी हूँ विद घास। ए जानू बच्चे खा रहे पी रहे। तो काके सास जी भी आ गए हैं, थली से जा रहे थे, उनके दांत में दर्द था और उन्होंने दांत निकाल दिया। आ रहे कौन दांत? मेरी माँ का तो खतरनाक हुई। आप क्रीम रोल लेके आए थे? ये क्रीम रोल लेके आए थे। ये काके सास जी हमारे लिए जलेबी लेके आए दोस्तों, आप खाओ पहले। ये मैं पी रही हूँ छाछ, सासू माँ पता नहीं कहाँ से लेके आए छाछ और मेरा छाछ पीने का बहुत मन है। आप देख सकते हैं नया तरीका क्या है, छोटा तरीका बहुत तरीका। आप कुछ कहना चाहते हो इन बाल दोस्तों? स्वागत है। हां मेरी चच्ची चटनी पीस रही है बोलती। ये घर का तरीका, इस पत्थर का सॉरी कुछ और होता है, जो गढ़वाली होगा जानता होगा। मोटू जी मोटू आप कुछ कहना चाहते हो? खुशबू आ रही है ना सामने सामने, खुशबू मोटो को देखे खुशी हो रही मेरे निकल जाना। और ये हमारी चटनी तैयार होती हुई आप देख सकते हो, डन है। तो ये मोटो जी यहाँ पे चक्के दिखाती हूँ आपको, चटनी आप देख सकते हो। देखिए टेस्ट करियो मोटे, मोटो टेस्ट करके बताना। टेस्टी, अमेजिंग, बहुत टेस्टी। तो दोस्तों खाना है तैयार। मोटो और मोटो ने बना दिया है यहाँ पे रेला। दोस्तों ये है लस्सी, घर की लस्सी, देख सकते बहुत टेस्टी हो रही है। बिको खा, क्या शिमला के चल मोटो टेस्ट करके देखियो। और ये तैयार होता हुआ लस्सी, हमारी लस्सी। मेरे स्वामी जी लेके आ गए मेरे लिए चाय, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सास माँ यहाँ पे बना रहे हैं गेहूँ और मेरी जेठानी जी यहाँ पे बना रहे अपने बाल। अब 26 साल तो बुढ़ा है, बड़ बन बड़। शाम का टाइम हो गया है, शाम का टाइम के 3 बज गए हैं और स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई है और सारी का सारी। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को खूब पसंद आया होगा, आप लोग खूब एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर पक्का ही करना है। मैं मिलूंगी आपको कल एक खूबसूरत व्लॉग के साथ, तब तक अपना आप लोग ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और साथ ही साथ व्यस्त रहिए और मेरे व्लॉग के लिए थोड़ा सा टाइम निकालते रहिए। टाटा।